आज की इस वीडियो में होने वाले हैं कुछ ऐसे गैजेट जिनकी जरूरत हमें डेली रूटीन में कभी न कभी तो पड़ती ही रहती है। तो शुरुआत करते हैं सीरीज की आज की, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर फर्स्ट, टेस्टकैम प्रोटा कैप्चर XA डिजिटल रिकॉर्डर। किसी भी वीडियो में उसकी ऑडियो क्वालिटी का एक अपना अलग रोल होता है, यानी कि अगर ऑडियो क्वालिटी अच्छी है तब तो वीडियो का एंगेजमेंट अच्छा रहने वाला है, नहीं तो फिर आप वीडियो कितनी भी अच्छी बना लीजिए, अगर ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसका कोई भी मजा नहीं रहता। तो इस काम के लिए खासतौर पर अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के कंडेंसर माइक को, जो कि खासतौर पर बनाया गया है ऐसे ही प्रोफेशनल लेवल हाई रेजोल्यूशन वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए। जी हां दोस्तों, ये एक तरीके का कंडेंसर माइक होता है जिसमें कि ओपन डायफ्राम्स लगे होते हैं, जो कि आपकी मल्टी डायरेक्शनल में रिकॉर्ड कर सकते हैं वॉइस को। अगर आप चाहें तो इसमें एक्सटर्नल माइक्स को भी कनेक्ट करा पाएंगे, जो कि इस माइक का एक एडिशनल फीचर है। इसमें एक ट्रैक इंटरनल मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग का फीचर मिल जाता है, जिससे कि वॉइस की क्लैरिटी तो काफी बढ़ ही जाएगी और ये काफी सारी साउंड्स को एक साथ कैप्चर करता है, जिससे कि अगर आप किसी कॉन्सर्ट में है या फिर किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो वॉइस क्वालिटी काफी बेहतरीन फील होगी। तो इस गैजेट को खास तौर पर बनाया गया है ऐसे ही लोगों के लिए जो कि प्रोफेशनल लेवल की ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, या फिर व्लॉगर्स वगैरह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वीडियो में एक नेक्स्ट लेवल ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए। नंबर सेकंड, रिंग कार कैम। आजकल लोगों को आपने कार में डैश कैमरा का इस्तेमाल करते हुए देखा होगा, लेकिन डैश कैमरा में जो रिकॉर्डिंग होती है वो केवल फ्रंट की होती है, यानी कि अगर कोई इंसिडेंट होता है सामने की तरफ तो केवल आप उसे ही देख सकते हैं। लेकिन इस रिंग कैमरा की खास बात ये रहती है कि आपको 360 डिग्री में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, यानी कि जो कुछ भी रिकॉर्डिंग होगी उसे आप 360 डिग्री में मॉनिटर कर सकते हैं, यानी कि कार के बाहर के साथ साथ आप अंदर की भी निगरानी कर पाएंगे। इस कैमरा में आपको मोशन डिटेक्शन के भी फीचर दे रखे होते हैं, जिससे कि कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी अगर आपके कार के पास होती है या फिर आपके कार के अंदर होती है तो फौरन अलर्ट आपको आपके मोबाइल फोन पर मिल जाएगा, जिसकी रिकॉर्डिंग को भी आप रियल टाइम में चेक कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, टू वे ऑडियो कम्युनिकेशन के भी फीचर्स इस कैमरा में देखने को मिलते हैं, जिसमें कि आप कार में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति से बात भी कर सकते हैं। GPS इनबिल्ट होने की वजह से ये आपकी कार के लिए एक बेहतरीन ट्रैकिंग सिस्टम के तौर पर भी काम करता है, जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर थर्ड, स्विचबॉट मीटर प्लस। कभी कभी आपने भी घर में फील किया होगा कि आपके अलग अलग रूम में गर्मी के मौसम में अलग अलग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रहती है, और जिस भी कमरे में जाते हैं वहाँ पर आपको एकदम अलग ही एटमॉस्फेयर फील होता है। और अगर आप चाहते हैं इसे मॉनिटर करना, जिससे कि आप अपने कूलिंग अप्लायंसेस की सेटिंग्स को मेंटेन कर पाए, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के छोटे से गैजेट को। दरअसल देखा जाए तो ये एक तरीके का स्मार्ट ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर मॉनिटर होता है, जो कि आपके कमरे के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मॉनिटर करता है, और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने मोबाइल फोन ऐप पर भी देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसे कनेक्ट करा सकते हैं अपने एलेक्सा जैसे स्मार्ट होम असिस्टेंट से, जिससे कि वॉइस कमांड पर भी ये सारा का सारा डेटा आपके लिए अवेलेबल रहेगा। वहीं आप गैजेट्स के कंट्रोल को भी शेड्यूल कर सकते हैं, यानी कि एक टेम्परेचर बढ़ने पर या फिर ह्यूमिडिटी बढ़ने पर ये खुद ब खुद आपके एयर कंडीशनर, फैंस और ह्यूमिडिफायर्स को ऑन कर देता है, जिससे कि आपके हर कमरे में लगभग सेम टेम्परेचर और सेम एनवायरमेंट ही रहता है, और आप जहां पर भी जाएंगे आपको लगभग सेम एटमॉस्फेयर ही फील होगा। तो इस छोटे से गैजेट के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर फोर, हाई पी ट्रैवल ट्राइपॉड। अगर आप एक फोटोग्राफर या फिर एक व्लॉगर हैं तो आपको अंदाजा होगा ट्राइपॉड की इम्पोर्टेंस का। अगर आप फोटोग्राफी में दिलचस्पी रखते हैं या फिर वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, तो आपके पास एक ऐसा पोर्टेबल ट्राइपॉड होना काफी जरूरी हो जाता है, जिसे कि आप बैग में रखकर इजिली कहीं भी ले जा पाए। ये एक तरीके का ऐसा ही ट्राइपॉड होता है, जो कि आपको तीन पार्ट्स में देखने को मिल जाता है। इसमें आपको एक फुल लेंथ ट्राइपॉड मिलता है, और साथ ही एक छोटा सा सब ट्राइपॉड भी देखने को मिल जाएगा, जो कि खास तौर पर व्लॉगर्स के लिए बनाया गया है। साथ ही इसमें बॉल हेड माउंट मिल जाता है, जिसमें कि आप DSLR के साथ साथ अपने मोबाइल फोन कैमरास को भी लगा सकते हैं, जो कि एक मजेदार बात रहती है। ट्राइपॉड की एक्स्ट्रा हाइट के लिए आप अपने सब ट्राइपॉड को मेन ट्राइपॉड के साथ अटैच कर सकते हैं 3-प्लेयर सेंटर कॉलम की मदद से, जो कि फोटोग्राफी में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वहीं दोस्तों, अगर आप इसमें व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो सब ट्राइपॉड काफी हेल्पफुल रहने वाला है, जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नंबर 5, एयर रोबोट। रोबोट से अलग अलग तरीके के काफी सारे काम लिए जा सकते हैं, और अगर हमें एक ह्यूमनाइड रोबोट की बात करें तो वो तो काफी हेल्पफुल रहता है, जो कि इंसानों की तरह बहुत सारे काम कर सकता है। ये एक तरीके का ऐसा ही रोबोट होता है, जिसमें कि आपको दो रोबोटिक हैंड्स ऐसे देखने को मिल जाएंगे, जिनसे कि आप अलग अलग तरीके के काम ले सकते हैं। इस रोबोट को खासतौर पर उन कामों के लिए बनाया गया है जो कि इंसानों के लिए थका देने वाले होते हैं, लेकिन ये रोबोट उस काम को बड़े ही प्यार से कर सकता है। इन रोबोटिक हैंड्स की मदद से किसी भी सामान को आसानी से उठाया जा सकता है, जिससे कि इसका
इस्तेमाल हॉस्पिटल्स या फिर रेस्टोरेंट वगैरह में भी किया जा सकेगा। अगर आप चाहें तो इनके हैंड्स में अलग अलग तरीके के अटैचमेंट्स भी लगा सकते हैं, जिससे कि ये रोबोट किसी एक काम को करने के लिए स्पेशलाइज रूप से डेडिकेटेड हो जाता है। जैसे कि हॉस्पिटल में ये डिसइंफेक्शन का काम बड़ी ही आसानी से कर सकता है, जिसे कि जनरली करने में काफी समय और मैन पावर वेस्ट होता है, लेकिन ये रोबोट इस काम को बहुत ही आसानी से परफॉर्म कर पाएगा। तो ऐसे ही मजेदार फीचर देखने को मिल जाते हैं इस रोबोट में, जिसे कि आप अलग अलग कामों के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। नंबर 6, पल्सेटो। हम अपनी डेली रूटीन में इतना सब कुछ करते हैं जिसके बाद स्ट्रेस होना बहुत कॉमन सी बात है, जिसकी वजह से लोगों को एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम भी रहती है। तो अगर आप भी अपनी डेली रूटीन में काफी स्ट्रेस फील करते हैं और आपको नींद भी नहीं आती, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को, जो कि आपको रिलीफ देने में काफी हद तक मददगार साबित होगा। दरअसल हेडफोन की तरह दिखने वाला ये गैजेट एक ऐसा होता है जिसे कि आपको नेक पर लगाना होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल पल्स की मदद से आपकी वेगस नर्व को सिमुलेट करने का काम करता है, जिससे कि आपका दिमाग भी शांत हो जाता है और आपको एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको रात में नींद कम आती है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको काफी हद तक काम रखने में मदद करता है। तो इस गैजेट को खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें की काफी ज्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस वगैरह की प्रॉब्लम रहती हो। नंबर 7, प्रेस ड्रेन। अब दोस्तों मैं आपको ऐसा गैजेट दिखाने वाला हूँ जिसकी जरूरत आपको भी जरूर से होगी अपने बाथरूम में। अक्सर सिंक और बेसिन में देखा जाता है कि छोटे छोटे बाल जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से पानी पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है, जिसे कि आपको टाइम टू टाइम साफ करने की जरूरत पड़ती है, जो कि एक अपने आप में थोड़ा सा इरिटेटिंग काम है। तो अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि एक तरीके का छोटा सा श्रेडर होता है, जिसे कि आप अपने सिंक या फिर बेसिन में इंस्टॉल कर सकते हैं। जब भी इसमें बाल वगैरह फंस जाएं या फिर बेसिन में पानी ब्लॉक हो जाए, तो बस इसे आपको हल्का सा एक दो बार दबाना पड़ता है, जिसके बाद ये बाल को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है और पानी फिर आसानी से निकल जाएगा। तो एक कमाल का श्रेडर होता है, जिसे कि आप अपने बेसिन या फिर सिंक में इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे कि वाटर ब्लॉकेज की प्रॉब्लम ना हो। नंबर 8, वेवलिंग्स पजल। पजल सॉल्व करना किसे पसंद नहीं होता, और खास तौर से बच्चे इस काम में काफी दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन जब भी बात आती है किसी पजल की, तो हमारे दिमाग में एक क्यूब आता है या फिर आता है एक ऐसा फोटो कार्ड जिसमें कि छोटे छोटे पीसेस को जोड़कर एक बड़ी सी इमेज बनानी होती है। लेकिन इससे हटकर आपको देखने को मिलेगा ये गैजेट, जिसकी स्पेशलाइज डिजाइन ही इसे एक कमाल की पजल बनाती है। इसमें आपको दो रिंग्स देखने को मिल जाती है, जो कि आपस में लिंक्ड रहती है। नॉर्मल देखने में ऐसा लगेगा जैसे कि ये दो पीसेस से मिलकर बना होता है, लेकिन दोस्तों इसमें चार पीसेस का इस्तेमाल किया गया है बनाने में, जिसमें कि आपका टारगेट ये होता है कि आपको इन रिंग्स को अलग अलग करके सेपरेट करना है, यानी कि आपको अच्छा खासा दिमाग लगाना पड़ेगा इन रिंग्स को अलग अलग करने में, जिसे सॉल्व करने के काफी सारे तरीके हो सकते हैं। तो बच्चों को इस तरीके का गैजेट खास तौर पर पसंद आने वाला है, और यकीनन मुझे भी अगर ये मिलता है तो मैं भी इस पर एक बार जरूर से हाथ आजमाना चाहूंगा। नंबर 9, मिररो स्काई स्मार्ट टेलीस्कोप। स्पेस में किसी की भी दिलचस्पी होना एक कॉमन सी बात है, क्योंकि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि स्पेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो कि नहीं कर पाते। उनके लिए खास तौर पर इस तरीके के पोर्टेबल टेलीस्कोप को बनाया जाता है, जिससे कि वो ये काम आसानी से कर सकते हैं। नॉर्मल जो टेलीस्कोप होते हैं वो आपको ऑर्बिटरीज वगैरह में देखने को मिलेंगे, लेकिन दोस्तों ये एक ऐसा पर्सनल टेलीस्कोप होता है जिसका इस्तेमाल आप काफी सारे प्लैनेट्स पर नजर रखने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों ये एक तरीके का डिजिटल फॉर्मेट होता है टेलीस्कोप का, जिससे कि आप कैप्चर्ड सारी इमेज को अपने मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप पर भी देख सकते हैं। इसमें 5 मेगापिक्सल का एक कैमरा रहता है, जिससे कि आप काफी सारी फोटोज वगैरह भी क्लिक कर सकते हैं प्लैनेट्स की, और अगर आप चाहें तो किसी स्टार या फिर प्लैनेट को फॉलो भी कर सकते हैं इस टेलीस्कोप की मदद से। ये साइज में बेहद छोटा और एक बैटरी ऑपरेटेड टेलीस्कोप है, जिसे कि इजीली कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। तो अगर आप भी स्पेस में दिलचस्पी रखते हैं और कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को। नंबर 10, ओबेगो। प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए हमेशा से नुकसानदायक रही है, और हम अपने डेली यूज में काफी सारे पॉलिथिन बैग्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें रिसाइकल करना अपने आप में एक काफी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि रिसाइकलिंग प्रोसेस से पहले इन सारे प्लास्टिक बैग्स को अलग करना पड़ता है कूड़े से, जिसके बाद ही इन्हें रिसाइकल किया जा सकता है। इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए खास तौर पर इस तरीके के गैजेट को बनाया गया है, जो कि प्लास्टिक के पॉलिथिन बैग्स वगैरह को एक नया ही रूप दे देता है, जिससे कि रिसाइकलिंग के दौरान उन्हें आसानी से पहचाना जा सके और रिसाइकल किया जा सकेगा। दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा छोटा सा गैजेट होता है, जो कि एक तरीके के कंप्रेसर के तौर पर काम करता है। आप इसमें सभी तरीके के प्लास्टिक बैग्स वगैरह को डाल सकते हैं, और बस आपको एक बार इसे कंप्रेस करना होता है, जिसके बाद ये आपके प्लास्टिक बैग को एक डिस्क जैसे फॉर्मेट में चेंज कर देता है, और इस डिस्क के फॉर्मेट में आप इसे इजीली थ्रो कर सकते हैं अपने डस्टबिन में, जिससे कि रिसाइकलिंग प्रोसेस के दौरान उन्हें आसानी से पहचान कर रिसाइकल किया जा सकेगा। नंबर 11, रैपिड चार्जिंग यूएसबी केबल।
आजकल हम लोग अपने डेली रूटीन में काफी सारे गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन गैजेट्स को चार्ज करने के लिए आपके पास एक पावर एडाप्टर के साथ चार्जिंग केबल का होना काफी जरूरी होता है, जिसके लिए आपको अलग अलग तरीके की केबल्स को साथ में लेकर कैरी करना पड़ता होगा। लेकिन अब मैं आपको एक तरीके की ऐसी केबल किट दिखाने वाला हूं, जिससे कि अगर ये किट आपके पास है तो आप किसी भी तरीके के मोबाइल को किसी भी पावर एडाप्टर से आसानी से चार्ज कर पाएंगे। इसमें आपको C2C और C2 लाइटनिंग केबल के एडाप्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि ना सिर्फ चार्जिंग के लिए काम आएंगे बल्कि इनका इस्तेमाल आप डेटा ट्रांसफर के लिए भी कर सकते हैं। और साथ ही आपको मिल जाती है एक लंबी सी केबल, जिनमें कि आप इन कनेक्टर्स को अटैच करके एक लंबी केबल से अपने मोबाइल फोन को चार्ज कर सकते हैं। ये लंबी केबल आपको स्पाइरल शेप में देखने को मिल जाती है, जिससे कि इसे साथ रखना भी बेहद आसान होता है और आप जहां चाहे वहां पर आसानी से इसे लेकर कैरी कर सकते हैं। इन केबल्स में आपको फास्ट पावर डिलीवरी के ऑप्शन दे रखे होते हैं, जिससे कि आप अपने मैकबुक जैसे लैपटॉप्स को भी चार्ज कर सकते हैं इन केबल्स की मदद से। तो मल्टीपल कनेक्टर ऑप्शंस की वजह से ये केबल भी मल्टीपर्पज हो जाती है, जिससे कि आप एंड्रॉइड से लेकर आईफोन जिस भी फोन में चाहें इजीली अटैच करके इस्तेमाल कर पाएंगे। नंबर 12, समजेट प्रो। अब मैं आपको एक ऐसा मल्टीपर्पज गैजेट दिखाने वाला हूँ, जिसका इस्तेमाल आप एक कॉर्डलेस ड्राई क्लीनर के तौर पर कर सकते हैं। देखा जाए तो ये एक तरीके का स्टीम ब्लोवर होता है, जिसके नीचे की तरफ आपको वाटर टैंक देखने को मिलता है, और जब आप इसे ऑन कराते हैं तो काफी तेजी के साथ हाई स्पीड में स्टीम बाहर निकलती है, जो कि आपके लिए ड्राई क्लीनिंग का काम करेगी। ये हाई टेम्परेचर ड्राई स्टीम पूरी तरीके से मॉइस्चर फ्री होती है, जिससे कि इसका इस्तेमाल आप अलग अलग तरीके की चीजों को साफ करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने काउच वगैरह या फिर अपनी बेडिंग्स को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इससे निकलने वाली स्टीम का टेम्परेचर लगभग 160 सेल्सियस तक होता है, जिससे कि अगर आप चाहें तो अपने शूज वगैरह को भी साफ कर सकते हैं। वहीं ये गैजेट आपके लिए एक बेहतरीन स्टीम आयरन के तौर पर भी काम करता है, जिससे कि अगर आप अपने कपड़ों को प्रेस करना चाहते हैं तो उसमें भी ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये एक तरीके का मल्टीपर्पज गैजेट होता है, जिसका इस्तेमाल आप काफी सारी चीजों की साफ सफाई में कर सकते हैं। नंबर 13, बग आई कंपास। कंपास के मैकेनिज्म के बारे में तो सभी को पता है, जो कि बेहद सिंपल सा होता है, जिसका इस्तेमाल खासतौर पर डायरेक्शन का पता लगाने में किया जाता है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा यूनिक कंपास दिखाने वाला हूं, जो कि इससे पहले आपने यकीनन नहीं देखा होगा। जी हां दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा कंपास होता है जो कि बॉल जैसे शेप में रहता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा मजेदार लगता है। इसका इस्तेमाल आप डायरेक्शन पता करने के लिए तो कर ही सकते हैं, साथ ही ये आपके लिए एक बेहतरीन कीरिंग के तौर पर भी काम करेगा, जिसका होल्डिंग एक्सपीरियंस अपने आप में मजेदार है। ये खासतौर पर टाइटेनियम और ब्रास का बना होता है, जिसकी वजह से ये काफी हैवी भी फील होगा आपको। इसकी माइक्रो बॉल देखने में काफी ज्यादा ड्रामेटिक लगती है, जो कि मुझे भी खास तौर पर पसंद आई है। तो अगर आप किसी ऐसी एडवेंचर ट्रिप पर जा रहे हो या फिर जंगल वगैरह में कैंपिंग करने जा रहे हो और आपको जरूरत हो एक कंपास की, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। नंबर 14, सेंट सारा। बचपन में रेत पर एक डंडी की मदद से उस पर डिजाइन बनाने का खेल तो हम सभी लोगों ने खेला है, लेकिन अब मैं आपको उसी से इंस्पायर्ड एक ऐसा गैजेट दिखाने वाला हूं, जिसका इस्तेमाल आप एक डेकोरेटिव आइटम के तौर पर अपने घर पर या फिर ऑफिस में कर पाएंगे। देखा जाए तो ये एक तरीके का पॉट होता है, जिसके ऊपरी हिस्से में आपको रेत बिछी हुई देखने को मिल जाएगी, जिस पर मैग्नेटिक बॉल की मदद से डिजाइन को तैयार किया जाता है। इन डिजाइन को आप अपनी पसंद के हिसाब से चुन सकते हैं। ये डिजाइन दिखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, और साथ ही इस मैग्नेटिक बॉल का मूवमेंट भी अपने आप में ऐसा लोगों को पसंद आएगा, जिससे कि अगर आपने इसे डेकोरेशन के तौर पर सजा कर रखा है तो लोग इसकी तरफ एक बार जरूर से देखने वाले हैं। तो अपने आप में एक कमाल का डेकोरेटिव आइटम होता है, जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 16, मैटमो ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर एक ऐसा टूल है, जिसकी जरूरत हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कभी न कभी तो पड़ ही जाती है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे स्क्रूज होते हैं जिन्हें टाइट करने के लिए आपको अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ जाती है। तो वहाँ पर आपके लिए काम आएगा इस तरीके का स्क्रू ड्राइवर, जो कि खास तौर पर ऐसे ही स्क्रूज के लिए बनाया गया है। इस स्क्रू ड्राइवर में आपको एक एडिशनल ग्रिप देखने को मिल जाती है, जो कि स्क्रू पर 90 डिग्री एंगल से प्रेशर अप्लाई करती है, जिससे कि अगर कोई स्क्रू फंस जाता है या फिर टाइट नहीं हो रहा है तो इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसे इजीली मैनेज किया जा सकता है। वहीं इसके ग्रिप हैंडल को कुछ ऐसा बनाया गया है कि इसके निचले हिस्से में आपको कुछ जॉस देखने को मिल जाएंगी, जिससे कि जब आप इसे टाइट करते हैं तो बार बार इसे स्क्रू से हटाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप इस ग्रिप हैंडल को हल्का सा ऊपर करके आप फिर से फंसाकर इसे टाइट कर सकते हैं। यानी कि एक बार अगर आपने इसे स्क्रू पर रख दिया तो बार बार आपको टाइट करने के लिए आपको स्क्रू ड्राइवर को उठाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं रहेगी, बस आप इस हैंडल की मदद से तेजी से स्क्रू टाइट कर पाएंगे। नंबर 16, टू होल्ड। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें की बेड पर बैठकर खाने पीने या फिर काम करने की आदत होती है, जिसके लिए उन्हें एक तरीके की ऐसी काउच टेबल चाहिए होती है, जिसमें कि वो सारी चीजों को एक साथ रख सके। फिर वो चाहे बात खाने पीने की हो या फिर काम करने की, वहाँ पर इस तरीके की टेबल आपके लिए काफी फॉर वैल्यू फॉर मनी रहेगी। दोस्तों, इस टेबल की खास बात ये रहती है कि इसमें आपको अलग अलग कप होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आप खाने पीने का सामान रख सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, इसे इस तरीके से बनाया गया है कि आप इसके ऊपरी हिस्से को डिटैच कर पाएंगे, जिससे कि अगर आप चाहें तो ये आपके लिए एक बेड टेबल
टेबल की तरह भी काम करेगी, जहां पर आप लैपटॉप को रखकर आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें साइड में लगाने के लिए आपको दो अटैचमेंट्स भी मिलते हैं, जहां पर आप अपने मोबाइल फोन वगैरह को रख सकते हैं, और साथ ही अगर चाहें तो इसका इस्तेमाल आप एक माउस पैड के तौर पर भी कर पाएंगे। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं जो कि बेड पर खाने पीने के शौकीन है या फिर काम करने के शौकीन है, तो इस टेबल को आप भी खरीद सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं अपने बेड पर बैठकर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।